हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना बनाना मेक ईट एंड रिपीट। हम अगली रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पीपल जिन्होंने सपोर्ट करा एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स, ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको रेसिपीज पसंद आए एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा तो नेचुरली कि हम आगे और अच्छी रेसिपीज भी लाएंगे। तो आज की हमारी एक इंटरेस्टिंग रेसिपी है, वैसे बहुत सिंपल है, बहुत वीडियोस इस पर होंगी भी, बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन इट्स अ हेल्दी वन सो आज मैं इसे डिस्कस करने आई हूँ, दैट्स पोहा। तो अब पोहे के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ कप और कटोरी, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने हाफ कप पोहा लिया है। मैंने कैरेट ली है वन, यहाँ पे अनियन है, कोरिएंडर लीव्स हैं, बॉइल्ड पीस है, ये आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बॉईल भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव के लिए मैंने 7 to 8 minutes इसे माइक्रोवेव में बॉईल करा है। और ये हमारी मूंगफली है, हरी मिर्च है, नमक, और ये हमारी पाउडर्ड शुगर है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी ही हमें हल्दी चाहिए, नींबू का रस, और ये हमारे हैं मस्टर्ड सीड्स जिसे हम कहते हैं राई। सबसे पहले जो पोहे को हमने धोना है तो बहुत इसका बहुत सही सा तरीका है वो आप देख लें। इसे अच्छे से हमें वैसे कोल्ड वाटर से धोना है, लेकिन यहाँ पे ठंड है इंडिया में तो नॉर्मल वाटर भी चल जाएगा। इसे अच्छे से धोना है, आप पानी में भिगोइएगा मत इसे, बस नॉर्मली हमें इसे वॉश ही करना है। ये हमने वॉश कर लिया है, इसमें हमें थोड़ा सा ही नमक चाहिए, बिल्कुल हल्का सा हमने नमक डालना है, और थोड़ा सा हमें जो लेमन जूस है हम वो इसमें मिक्स करेंगे। अब इसे फोक से हमें अच्छे से मिक्स करना है, फोक से इसलिए क्योंकि जब हम हाथ से करेंगे तो ये जो पोहा है ये टूट जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए, तो फोक से ही करें। जब आप इसे मिक्स भी करेंगे तब भी हमें फोक ही यूज़ करना है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हमें ये थोड़ा सा इसे भूनना है, मूंगफली को, तो इसे आप तेज सेक पे ही भून सकते हैं। अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब ये ऑयल हमने लिया और इसमें अब हम डालेंगे राई। जब तक ये फ्लटर हो तब तक इसे चलाएं और थोड़ा पीछे हो जाए, वैसे से कवर कर दें। साथ में अब हम इसमें डाल देंगे हमारे अनियन, और ये हमने डाली हरी मिर्च, और ये हमारी गाजर। इतनी तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं आप? हो जाती है कभी कभी। अब आप इसे अच्छे से पका लें, रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा पकाना, और इसमें हम डालेंगे हमारे जो बॉइल्ड हमने मटर रखे हैं वो। मटर का कलर बहुत अच्छा है, आलू अच्छे लगे आपको, और जो हमने स्पाइसेस रखे हैं हम वो भी डाल देंगे। ये मैंने हाफ से भी ऑलमोस्ट वन फोर्थ मैंने लाल मिर्च ली है, और हल्दी तो हमें कम ही चाहिए होती है। नमक हमने पहले भी मिक्स करा था तो आप उस हिसाब से कम ही लें, मैंने 1/4 मैं ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो हमने पोहा रखा था अब हम वो डाल देंगे, और थोड़ी सी हमें चाहिए हमारी पाउडर शुगर, वैसे अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा बहुत देती है, तो हमें ये डाल दी, और साथ में हम डालेंगे ये हरा धनिया, हरिया धनिया क्या, हरिया धनिया, टेक द फोक एंड मिक्स इट। इसे टूटेगा नहीं, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लेमन जूस, और ये हमारा जो पोहा है इट्स रेडी नाउ।
इसके ऊपर हम डालेंगे ये ग्राम नट्स, और अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू भुजिया भी ऐड कर सकते हैं। और ये आलू भुजिया का आइडिया, एक्चुअली पूरी रेसिपी जो है ये मेरी इकलौती सिस्टर की है, तो आलू भुजिया के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे ट्राई जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ये रेसिपी कैसे देखी। थैंक यू।